कोरोना का प्रकोप निरंतर बढ़ रहा है, बावजूद इसके भारतवासी अपनी खुशी जाहिर करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। सही सुना आपने, भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच भी देश में खुशी खुशी हर उत्सव हर त्योहार को घर में ही मनाया जा रहा है। आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसी बीच खबर 100 न्यूज पर एक खास रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं आपके लिए। देश और प्रदेश में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते सभी मंदिर बंद है। इसलिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए बजरंग बली के आपको घर पर बैठे ही दर्शन लाभ मिल सकेंगे। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो वाकई अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हैं। भारतवर्ष में हनुमान जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन इस बार लॉकडाउन है। धार जिले के गंधवानी में एक बलवारी वाले बालाजी धाम है, जहां हमेशा भक्तों का तांता लगा दिखाई देता है। बलवारी वाले बालाजी धाम के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, लेकिन इस बालाजी मंदिर के पीछे कुछ अनकही और अनसुनी बातें भी हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वाकई में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है बजरंग बली का यह मंदिर। त्रेता युग का मंदिर बताया जाता है, और इस मंदिर की कुछ ऐसी बातें हैं जो सच में विश्वास से परे है और सोच से भी, यानी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर बता दें कि बलवारी वाले बालाजी धाम का यह मंदिर रामायण कालीन त्रेता युग का मंदिर है। इस धाम में भगवान श्री बालाजी की जो मूर्ति है वह एक ही पत्थर पर बनी हुई है, जो कि स्वयंभू प्रकट हुई है, यानी उसे बनाया नहीं गया, जिसकी लंबाई 12 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। विराट स्वरूप में भगवान बालाजी हनुमान की मूर्ति बिना किसी सहारे के खड़ी है। साथ ही मंदिर के पीछे की कुछ ऐसी कहानी है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो वास्तव में ही अद्भुत है। अगर पंडित जी की माने तो सन 1994 के पहले बजरंग बली बिना छत के थे, यानी बालाजी मंदिर के ऊपर कई बार मंदिर समिति द्वारा छत डलवाई गई, लेकिन रात होते ही छत अपने आप गायब हो जाती, यानी गिर जाती, यानी कि हनुमान जी फिर बिना छत के हो जाते। यह सिलसिला बहुत समय तक जारी लगा रहा, यूं ही निरंतर चलता रहा, लेकिन तब अचानक इंदौर के भक्त नरसिंह दास खंडेलवाल को एक रात स्वयं बालाजी महाराज सपने में आए और उनके द्वारा मानो आदेश हुआ हो कि छत डाली जाए। भक्त द्वारा 1994 में मंदिर के ऊपर छत डलवाने का कार्य शुरू किया गया, जब से बजरंग बली छत के नीचे विराजमान हुए। यह वास्तव में अद्भुत चमत्कार से कम नहीं है। आज हनुमान जन्मोत्सव पर यह सौभाग्य भक्तों को मिला है कि मंदिर के पीछे छुपे अनकही बातों का आपको बोध हो सके। साथ ही बजरंग बली यहाँ पर बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में अपने आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। अगर मान्यताओं के हिसाब से बात करें तो इस मूर्ति के चरणों में पाताल देवी चंडिका का निवास है। यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों को भगवान तीन रूप में दर्शन देते हैं। भक्त बताते हैं कि सुबह के समय बाल्यावस्था, दोपहर के समय युवावस्था और शाम के समय बजरंग बली वृद्धावस्था में दर्शन देते हैं। जैसा कि आपको बताया कि इस मंदिर के पीछे की क्या खास मान्यता है, क्या रहस्य है, साथ ही हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हमेशा यहां बड़ी संख्या में भक्त बालाजी हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं और बालाजी हनुमान के दर्शन का लाभ लेते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ पर महाआरती और विशाल भंडारे का भी हर वर्ष आयोजन किया जाता है। लेकिन जैसा आपने इस विशाल मंदिर के पीछे की पूरी कहानी जानी और ये भी जाना कि मंदिर की वास्तविकता वाकई में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि इस वर्ष लॉकडाउन है,
सरकार ने हमें रोक लगाई है घर से बाहर निकलने में और कहीं भी इकट्ठा होने में। ऐसे समय में आप घर पर रहकर बजरंगबली की सेवा और आराधना कीजिए, यही सबसे बड़ा सुख मिलेगा।